तो कोई बाकी वर्कबुक, पर्टिकुलर वर्कबुक किसी लोकेशन में सेव है, उसको कैसे ओपन करेंगे? तो उसके लिए यहाँ लिखते हैं वर्क बुक्स डॉट ओपन, और फिर यहाँ पाथ दे देंगे कि कहाँ पे है, वहां से ओपन करना है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, पहला कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट की जो डिटेल है वो डिटेल हमने नहीं डाली। क्यों? हमने ऑब्जेक्ट की डिटेल यहां पे इसलिए डाली क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की डिटेल तभी करते हैं, तो हमें हमारा फाइल सेव, जब तक फाइल ओपन नहीं होगा तब तक आप जो है उसको मतलब कि उसकी लाइब्रेरी भी आएगी तब नहीं दे सकते। मतलब बुक वन यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेल कब देना है, जब आपका ऑब्जेक्ट ओपन है। तो वर्कबुक ओपन क्या हुआ? अब हो सकता है कि वर्कबुक में पासवर्ड डाला हो या हम सेम एज करते उसमें पासवर्ड डालना चाहें। तो यहाँ जैसे ऑब्जेक्ट को डिटेल मारेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए बहुत सारे इसके डिटेल्स है, जैसे कि अपडेट लिंक। तो अपडेट लिंक क्या होता है, समझ में आ रहा है, पता है आपको? जी सर, जैसे कि आपकी फाइल में किसी और फाइल से ये लगा हुआ है, फॉर्मूला लगा हुआ है, रेफरेंस लगा हुआ है, जब भी आप खोलते हैं तो अपडेट लिंक देता है। तो आप चाहते हो कि अपडेट लिंक पे क्लिक कर दे या ना क्लिक करें, तो यहाँ ट्रू एंड फॉल्स देना पड़ेगा। अगर नहीं करना चाहते तो स्किप करके स्किप करके रीलॉग इन पे ट्रू करना चाहते हो, या पासवर्ड है जैसे 123 कोई पासवर्ड डाला हुआ है तो पासवर्ड डाल सकते हो, क्वेरी लाइन पासवर्ड है इस तरह से डाल सकते हो, तो कॉमा करके दे सकते हो। अगर जो नहीं देना है उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दे सकते हैं। तो वर्कबुक ओपन करने का कोड ये होता है, किसी पर्टिकुलर को वर्कबुक ओपन करते हैं। अब दूसरा आता है नेविगेट करने का, मतलब कि हमने दो फाइलें खोल रखी है, बुक वन और बुक टू। तो हम लोग ऑल टैब से बुक वन से बुक टू पे जाते हैं ना, तो इसके लिए क्या कोड हो सकता है? क्योंकि तो ये भी बहुत जरूरी है, जब जब कई सारे फाइलों पर काम करेंगे तो इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्क बुक्स, और इसके अंदर में किस फाइल पे जाना है उसका सारा सीरियल नंबर लिख दीजिए। यहाँ पे बुक वन डॉट
अब वर्कबुक को हमने एक्टिवेट कर लिया, तो उसके एक्टिवेट करने का एक और तरीका है। तरीका है कि वर्क बुक्स, वर्कबुक विंडोज, माफ कीजिए, एक विंडो का एक पार्ट है कि विंडोज, और यहां भी सीक्वेंस नंबर या पर्टिकुलर फाइल का दे सकते हैं। दो तरीके हैं आप इसको ओपन करने का, डॉट एक्टिवेट, सॉरी यहां पे हमने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं किया। तो ये विंडोज जो है ये किसको एक्सेस करता, किसके थ्रू होता है, ये होता है हमारा यहाँ व्यू, व्यू में हमारे पास मैक्रो इसके थ्रू। ठीक है, व्यू में या स्विच मांगो, माफ कीजिएगा पता नहीं क्या हुआ आज मैं गलत गलत पढ़ा रहा हूँ, स्विच मांगो तो वर्कबुक को एक्टिवेट यहां करते हैं। अब बात करते हैं कि किसी वर्कबुक को क्लोज करना, एक्टिव वर्कबुक, भी वर्कबुक क्लोज है, ओपन है, उसको क्लोज करना, तो उसके लिए कोड लिखते हैं वर्कबुक डॉट क्लोज, और यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स। क्यों? क्योंकि जब भी कोई पर्टिकुलर फाइल को हम बंद करते हैं तो हम उससे पूछता है कि डू वांट टू क्लोज दिस, तो उस पे यस पे क्लिक करना है हमें, यस सेव पे क्लिक करना है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे हमने ट्रू इसलिए डाला हुआ, तो किसी पर्टिकुलर को वर्कबुक को यहां पे लिखते हैं। तो वर्कबुक को लिखने का तीन तरीके, एक एक्टिव वर्कबुक लिख सकते हैं और ये वर्कबुक भी लिख सकते हैं। एक्टिव वर्कबुक कब लिखते हैं? जब हमारा सीट एक्टिवेट होता है तो। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम लिखते हैं वर्क बुक्स। अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, किसी पर्टिकुलर वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है, तो क्या करेंगे? तो डॉट यहां पे लिखेंगे डॉट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट में आप पासवर्ड डाल दीजिए। अभी प्रोटेक्शन कौन सी है? ये प्रोटेक्शंस है जो आपकी रिव्यू के अंदर में होता है, ठीक है? मतलब कि ये प्रोटेक्ट क्या करता है, यहाँ जो प्रोटेक्ट वर्कबुक करते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है आके आप कोई सीट ऐड नहीं कर सकते, कोई सीट डिलीट नहीं कर सकते, ना कोई ऐड कर सकते हैं ना कोई डिलीट कर सकते हैं। ठीक है सर? लेकिन मुझे चाहिए ओपनिंग पासवर्ड, तो ओपनिंग पासवर्ड में हमें यहां लिखना पड़ेगा डॉट पासवर्ड, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। अब यहां पे एक चीज पहले समझिए कि यहां जो हमने पासवर्ड दिया, डॉट इक्वल टू पासवर्ड हमने यहाँ पासवर्ड दिया, कि यहां पे आपने देखा, आपने कि देखा कि यहां पे मैंने इक्वल साइन यूज किया हो। ठीक है, इक्वल का साइन इस्तेमाल किया हुआ, तो इक्वल का साइन जो हमने इस्तेमाल किया हुआ है, बाकियों में ऊपर नहीं किया हुआ, तो ये जो पासवर्ड, या जिसको आप लोग इवेंट कहते हैं, इवेंट दो तरह का होता है, प्रॉपर्टीज एंड मेथड। मेथड को हम लोग एक्शन भी कहते हैं, तो मेथड होता है उसके आगे हम स्पेस लगाते हैं, और प्रॉपर्टीज जो होता है उसका इक्वल लगा के अपना उसका डिटेल लगाते हैं। अब इससे बात आती है कि हाउ टू आइडेंटिफाई की प्रॉपर्टी है या मेथड, तो उसके दो तरीके हैं आइडेंटिफाई करने का। पहला तरीका है कि आप इसको स्पेस दीजिएगा तो नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा,
नीचे एक्सप्रेशन आ गया, इट मींस ये मेथड है। एंड दूसरा कि जैसे आप यहां इसमें इसके प्रॉपर्टीज में करोगे तो स्पेस मारते आपको कुछ नहीं आएगा, ये आइडेंटिफाई हो गया। दूसरा जब लगाते हो तो जो ग्रीन कलर में है, देख रहे ग्रीन कलर, एक ग्रीन कलर में हुआ इसका मतलब है कि ये मेथड है और जिसमें हैंड का निशान लगा हुआ है वो आपका प्रॉपर्टीज है। तो दो तरीके हैं अब इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो पासवर्ड दिया ये ओपनिंग पासवर्ड हुआ, ये पासवर्ड कहां से लगाया इसने, इसने फाइल के अंदर गया, इन्फो के अंदर, यहां एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इसने सिर्फ ओपनिंग पासवर्ड यहां से डाल दिया, ठीक है, ओपनिंग पासवर्ड डाल दिया। लेकिन आप चाहते हो कि वो रीड ओनली बाकी सब चीज आए, तो उसके लिए फिर आप सेव एज करोगे, ऊपर जैसे मैं सेव एज किया हुआ तो इसके स्पेस मारिए और यहां देखिए फाइल फॉर्म में पासवर्ड रिटर्न पासवर्ड रिकमेंडेड यहां पे सकते, ठीक है। तो हमने फाइल को ऐड करना क्रिएट करना सीखा। फाइल को अगर मान लीजिए सिर्फ फाइल को सेव करना है, ओनली फॉर सेव, तो यहां पे सेव एज नहीं होगा, जस्ट सेव होगा, कंट्रोल एज होता है ना वो। तो वर्कबुक को हम सेव करना सीखे, सेव एज करना सीखे, हमने वर्कबुक को ओपन करना सीखा, हमने क्लोज करना सीखा, एक्टिवेट करना सीखा, हमने प्रोटेक्ट करना सीखा, हमने उसमें प्रोटेक्ट के दो पार्ट, प्रोटेक्ट एंड पासवर्ड दोनों चीज को सीखा, ठीक है। तो आपको कोई डाउट है सर इसमें, और फाइल में और कुछ करते हैं? अरे सुजीत सर, हाँ सर गुड इवनिंग। हेलो, हाँ बोलिए सुन रहा हूँ। हाँ सर ये तो क्लियर है जो आपने कराया, एक ना एक्सेल से रिलेटेड डाउट था, एक अगर क्लियर कर लूँ, यहाँ तो क्लियर है वीबीए का जितना अब तक तो हुआ। पूछ लीजिएगा, अभी क्लास तो खत्म होने दीजिए। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक ठीक। तो जैसे कि हम आपको बोल रहे थे कि हम सीट पे इसके अलावा कुछ और करते हैं, मेरे हिसाब से इसके अलावा हम नॉर्मली कुछ नहीं करते, क्योंकि तो अगर हम मान लीजिए डेटा डालते तो सीट के अंदर रेंज भी होता है क्या, तो फाइल में हम ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, सेव एज करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं और नेविगेट करते हैं एक फाइल से दूसरी फाइल। अब बात होती है कि कुछ लोग कहते हैं सर फाइल को रिनेम करना, फाइल को कॉपी करना, फाइल को डिलीट करना, तो क्या लगता है कि किसी पर्टिकुलर फाइल को रिनेम करना या फाइल को कॉपी करना और फाइल को डिलीट करना, क्या ये एक्सेल का पार्ट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेल के थ्रू आप ये चीज ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर फोल्डर का पार्ट होता है कि फोल्डर के अंदर में फाइल डली होती है और उस फाइल को आप डिलीट करते हैं, एडिट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, एक्सेल को नहीं करते सर, एक्सेल के थ्रू नहीं होता है। तो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा हमें फोल्डर के थ्रू जाना पड़ेगा, तो वो भी हम आपको इस चीजों पर बताएंगे, ठीक है। उसके भी अलग फंक्शन है, फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले के थ्रू हम करते हैं इसको।
अब बात आती है कि क्या वर्कबुक जो हम करते हैं तो इसमें इतना ही होता है या कुछ और ऑब्जेक्ट भी होते हैं, तो और भी ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसका थ्योरिकल पार्ट आपको पता होना चाहिए। कैसे कैसे पता करेंगे? तो जब विजुअल बेसिक एडिटर आप खोलेंगे तो ऊपर आपको यहां हेल्प का सैंपल दिखेगा, इसको क्वेश्चन मार्क करते हैं, इसको हेल्प करते हैं, उस पर क्लिक कीजिए। एक लुक क्लिक करते ही सीधे आपको ले जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे। माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जब आएंगे तो यहां आपको देखिए दिखेगा वीवीए रेफरेंस, इस वीवीए रेफरेंस पे क्लिक कीजिए। वीवीए रेफरेंस जब वो खुल के आएगा तो यहां आपको दिखेगा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल वीवीए कंसेप्ट एंड दूसरा मोड ऑब्जेक्ट मॉडल, तो आपको क्लिक करना है ऑब्जेक्ट मॉडल पे। जब आप ऑब्जेक्ट मॉडल पे क्लिक करोगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट आएंगे, दिख रहा है सारे ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमें जो है वर्कबुक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वर्कबुक के दो होता है, वर्कबुक एंड वर्कबुक्स दो होते हैं। तो आप वर्कबुक्स एंड वर्कबुक दोनों को देखिए, दोनों पे अच्छे कीजिएगा, वर्कबुक एंड वर्कबुक्स दोनों पे लिखाता वर्कबुक है लेकिन यहां पे कैटेगरी अलग अलग कर दिया। तो वर्कबुक ऑब्जेक्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो इसके तीन पार्ट दिखेंगे, मेथड यहां यहाँ आपके कि वर्कबुक पे एक सैंपल आएगा, इसके इवेंट्स है तो इवेंट्स, इसके बाद आपको इसकी प्रॉपर्टीज एंड इसका मेथड ये सारा दिख जाएगा। जब डॉट लगाने पे, जब वर्कबुक को हम डॉट लगाते हैं तो क्या क्या आता है वो सारे चीज यहाँ पे आपको दिख रही है। तो इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप कुछ बाकी को नहीं पढ़ना, आपको इवेंट नहीं पढ़ना, प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है मेथड। तो इसे से एक्टिवेट हुआ कि वर्कबुक को एक्टिवेट करने का कोड क्या होता है, तो उस एक्टिवेट मेथड के बारे में आपका पूरा ही बताएगा विद रेफरेंसेस एंड विद एग्जांपल। या फिर नीचे आपको यहाँ दिखेगा वर्कबुक ऑब्जेक्ट, अगर इस पे क्लिक कर देंगे कंसेप्ट पे तो ये सही दिख जाएगा आपको। यही है तो आपको क्या करना है कि जितने भी मेथड है उसको क्लिक करके एक बार स्टडी कर लीजिएगा। ये लिंक मैं डायरेक्ट लिंक भेज देता हूँ आपको, इतना झमेला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इसकी डायरेक्ट, बट अगर कभी नहीं रहा आपके पास लिंक तो आप उस मेथड से जा सकते हैं जो मेथड मैंने आपको बताया, तो ये लिंक मैं आपको भेज दे रहा हूँ। तो एक बार इसके मेथड को आप पढ़ लीजिए, मुझे पता है कि इसमें आपको आधी चीजें समझ में नहीं आएगी, फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसको आप पढ़ लें, जब मैं उसको दोबारा कराऊं तो आपके दिमाग में पड़ी हुई चीजें याद आ जाए और आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा, 2% 5% भी अगर आप तो कुछ सीखने को मिलेगा तो सही रहेगा, क्योंकि पढ़ना सबसे जरूरी है। तो ये लिंक मैंने आपको मेल कर दिया, इसको पढ़िए। और कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सीट ऑब्जेक्ट के ऊपर, हमने आपको आज बताया कि फाइल के साथ क्या क्या करते हैं और मैं कल आपको बताऊंगा कि सीट के साथ क्या क्या करते हैं, ठीक है? तो वर्कशीट के साथ क्या क्या करते हैं ये हम आपको कल की क्लास में समझाएंगे, ठीक है सर? दूसरा क्वेश्चन सर, जो हमने एक फार्मूला यूज किया था एक्सेल में डी सम और एक सम इफ एस यूज किया था सर, दो फार्मूले थे, तो डी सम और जो सम इफ एस है तो दोनों एक ही काम करते हैं, तो मतलब कि किस कंडीशन में हम डी सम यूज करेंगे जहां कोई थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए?
देखिए, जब हमारे पास कई सारे आइटम्स का सम निकालना होगा, तो जैसे कि आप सम इफ्स का भी इस्तेमाल करोगे, जैसे मान लीजिए कि आपको कि दिल्ली सिटी के पुणे के अंदर ग्रेटर देन 50,000 का सेल का सम निकालना है, एक ही निकालना है, तो आपका सम इफ्स होगा। डी सम क्या होगा कि दिल्ली सिटी में पुणे के अंदर, सिटी में पुणे भी हो सकता है, पुणे का भी ले लो, मुंबई भी ले लो, दिल्ली भी ले लो, पटना भी ले लो, और सेल्स में पुणे ग्रेटर देन 50,000 होगा, दिल्ली लेस देन 4,000 होगा, 40,000 होगा, और पटना का टोटल लेना है, बाकी सब का टोटल लेना है, ऐसे मल्टीपल कंडीशंस होगा तो यूज करेंगे डी सम। ठीक है, हाँ जी सर, हाँ जी, लेकिन डी सम बहुत कम यूज होता है, सम इफ्स की ज्यादातर यूज करते हैं।